तो ये रहा दोस्तों हम लोग का कंप्लीट सेटअप। तो भाई हम लोग का कंप्लीट सेटअप कुछ ऐसा लगता है दिखने में। तो हे व्हाट्स अप गाइस, मैं लेकर हाजिर हूं और एक नया वीडियो फ्री फायर का। नहीं है मेरे भाई, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला कि मैं क्यों लाइव स्ट्रीम में नहीं आ रहा हूं और क्यों फ्री फायर के अंदर नहीं आ रहा हूं। मेरे को बहुत लोग कह रहे थे कि भाई फ्री फायर खेलना छोड़ दिए, स्ट्रीमिंग करना छोड़ दिए क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ये सब मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। बेसिकली मैं काम कर रहा हूं अपना नया सेटअप के ऊपर। जो लोग भी मेरे साथ एकदम पर्सनल कॉन्टेक्ट पे, उनको पता होगा कि मैं एक नया सेटअप के ऊपर काम कर रहा हूँ, एकदम खतरनाक वाला। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा सेटअप बनाने दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मतलब क्या चीज़ें लेने जा रहा हो, कहाँ लेने जा रहा हो, क्या क्या ले रहा हो सेटअप के लिए, और एंड पे भाई पूरा सेटअप को कंप्लीट करने वाला हूँ। सो बहुत ज़्यादा मजा आएगा आज की वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो भाई आप लोगों को मेरा नया सेटअप देखने को मिलेगा जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो चलो यार, बातें बहुत ज़्यादा कर ली, अब सीधा निकलते सेटअप बनाने की तरफ, ठीक है। तो पीस। तो ये रहा दोस्तों, मैं अपना प्रोडक्ट लेके आ चुका हूँ। यही दोनों चीज़ लेने के लिए बाहर गया था मैं आप लोगों को, जैसे कि दिखाया। और स्टोर के अंदर मैंने जितना पॉसिबल हुआ उतना वीडियो बनाया, क्योंकि देखो भाई आज होली का दिन था, सब आज होली के दिन में इंजॉय कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत बोल के उनको दुकान खुलवाया था। सो बेसिकली मैंने एक अपना लैपटॉप का कूलिंग पैड लिया था, ठीक है, क्योंकि लाइव स्ट्रीम के टाइम पर थोड़ा बहुत हीट करता भाई गर्मी के टाइम पर। सो ये कूलिंग पैड लिया था मेरे भाई, और यहाँ पर ये मैंने ये माउस पैड है, ठीक है, 8GB वाला माउस पैड है। सो ये दोनों चीज़ लिया था मैंने, और आगे मैं आप लोगों को अनबॉक्स अभी नहीं कर रहा हूँ, अनबॉक्स करके आगे मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन हाँ, ये दोनों चीज़ लेने गया था, लेकिन और भी सारा चीज़ें लेना बाकी है, तो मैं वो आगे आप लोगों को दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि मैं क्या क्या लेके आया हूँ, और भाई अब मैं थोड़ा सा जाने वाला हूँ अपने एरिया का एक शॉपिंग मॉल है उसके अंदर, क्योंकि थोड़ा मेरे को खाना वगैरह लेना है, क्योंकि भाई बहुत रिसेंट मेरा बर्थडे है, आप लोगों को पता होगा 29th मार्च को। सो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा चीज़ें वगैरह लेने जा रहा हूँ अभी मॉल पे, क्या क्या लेके आ रहा हूँ वो भी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो दिखा दूंगा, बस मज़े कर लेना आप लोग को। भाई बुला के तो घर पे पार्टी दे नहीं सकता, तो दिखा दूंगा भाई, उधर से खा लेना, ठीक है मेरे भाई। सो चलो यार, अभी सीधा मॉल को चलते हैं और मॉल से चीज़ें लेके आते हैं, उसके बाद अपना सेटअप के ऊपर काम करना चालू करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि मैंने क्या क्या लेके आया मॉल से, ठीक है। ये बस इसलिए दिखा है कि भाई आप लोग को उधर से ही भाई मज़े कर लो, देख के उधर से खा लेना यार जो मन करे, क्योंकि भाई बुला के तो खा नहीं सकता, पहले भी बोला मैंने ये चीज़। सो भाई अभी मैं सेटअप के ऊपर काम करने वाला हूँ, मतलब सेटअप के ऊपर हाथ बटाने वाला हूँ। हाथ क्या बटाओ, मतलब सेटअप पूरा ही कम्प्लीट करना होगा मेरे को अभी अकेला। सो अभी चलते आप लोगों को दिखाता हूँ कि सेटअप के ऊपर मेरा अभी बस क्या रखा हुआ है, और मैं इसके बाद सेटअप को क्या बनाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो आप सेटअप के ऊपर काम करने में निकलते हैं।
ये रहा दोस्तों, देख सकते हो भाई मेरा टेबल खाली सा। सो ये रहा भाई हम लोग का खाली टेबल। अब मैं इस टेबल के ऊपर पूरा काम करने वाला हूँ, मतलब काम शुरू करने वाला हूँ, काम शुरू नहीं किया। और इस टेबल पे ऑलरेडी लाइट्स लगा हुआ है भाई, मतलब लगवा के नहीं आया था, मैंने लगाया था और लेकिन इसका वीडियो मैं नहीं बना पाया था लाइट लगाने के टाइम पे, बिकॉज ये लाइट लगाने में मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ आया, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आया भाई। 2-3 बंदे मिल के हम लोगों ने इस लाइट को लगवाया था, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस करना पड़ा हम लोगों को। सो दैट्स वाई ये लाइट वाला पार्ट हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो भाई अभी के टाइम पे तुम लोग देख सकते हो पूरा भाई टेबल खाली है, और भाई ये टेबल मैं बनवा के लेके आया हूँ, ऐसे ही भाई रेडीमेड नहीं मिला था मेरे को। सो दैट्स वाई इसके लिए मेरे को टाइम लगा इस टेबल के लिए। सो लेट्स गो यार, बातें बहुत कर लिया, अब सीधा भाई आप लोगों को सेटअप बना के देखा। तो चलो दोस्तों, फाइनली हम लोग का सेटअप हो चुका है कंप्लीट। लेकिन ये सेटअप कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि ये सेटअप बंद है, ये सेटअप अभी तक ओपन नहीं हुआ। दैट्स व्हाई आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि भाई ये सेटअप अभी तक इनकम्प्लीट है। तो आप लोग देख सकते हो इनकम्प्लीट सेटअप, मतलब कि अभी तक ये सेटअप चालू नहीं किया मैंने। सो दैट्स व्हाई इनकम्प्लीट बोला, तो कुछ ऐसा लग रहा है अभी के टाइम पे आप लोगों को देखने में, ठीक है। और पीछे का दीवार को उसको थोड़ा इग्नोर कर देना गाइस। और यहां पे देख सकते हो हम लोग का बॉडी गार्ड, मतलब सेटअप का गार्ड है ये, ठीक है, ये सेटअप को प्रोटेक्ट करता है। और तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा लग रहा है हम लोग का सेटअप देखने में, लेकिन अभी के टाइम पे ये सेटअप बंद है। और ये रहा हम लोग का सुंदर सा प्यारा सा पेड़, जिसको मैंने केबल मैनेजमेंट को हाइड करने के लिए लगाया यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग का महादेव है, ठीक है, हम लोग का बाबा है यहाँ पे, जिनको अभी दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज ऑफ लाइट्स की कमी। तो लेकिन मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि ये सेटअप ओपन होने के बाद कैसा दिखता है। चलो रहा दोस्तों हम लोग का कंप्लीट सेटअप। तो भाई हम लोग का कंप्लीट सेटअप कुछ ऐसा लगता है दिखने में, यहाँ पे फुल लाइटिंग से लाइटिंग हर जगह पे देख सकते हो। यहाँ पे कीबोर्ड्स पे लाइट है, माउस पे लाइट है, भाई हेडफोन्स पे भी लाइट है, लेकिन उसको लगाने का मेरे को जगह नहीं मिला, बेसिकली पोर्ट्स कम पड़ चुका है भाई लाइट का। सो दैट्स व्हाई भाई उसको मैं लगा नहीं पाया अभी, उसके लिए मेरे को एक नया चीज़ लेना पड़ेगा। मैं बहुत जल्दी ले लूँगा भाई हेडफोन का लाइट्स को भी जलाने के लिए। सो भाई यहाँ पे देख सकते हो भाई हम लोग का जो लैपटॉप पैड है, ठीक है, कूलिंग वाला, इसके अंदर भी पूरा लाइट्स है जो जल रहा है भाई। नीचे का फैन के अंदर भी लाइट्स है हम लोग का भाई, ऑब्वियसली भाई इसके अंदर भी लाइट्स है लैपटॉप के अंदर,
यहाँ पे देख सकते हो हर जगह पे लाइट लाइट, और यहाँ पे जो हम लोग का माउस पैड है वो भी लाइट वाला है, मतलब RGB वाला कह सकते हो। सो यहाँ पे अभी दूसरा कलर किया हुआ है, मतलब ये ब्रीदिंग मोड पे ये खुद ब खुद स्विच करता है कलर। और यहाँ पे देख सकते हो भाई पूरा एकदम बॉर्डर से यहाँ पे नियॉन लाइट्स लगा हुआ है। सो भाई फाइनली कुछ सेटअप ऐसा लग रहा है आप लोग के सामने देखने में। तो भाई तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई जो हम लोगों ने सेटअप बनाया इतना मेहनत से, वो सेटअप कैसा लग रहा है देखने में। तो ये रहा आज का वीडियो, देख सकते हो ये रहा हम लोग का आज का इतना मेहनत का सेटअप। सो भाई हम लोग का ड्रीम सेटअप है, बेसिकली मेरा तो ड्रीम सेटअप है भाई। मेरे को बहुत सालों से था ये सपना कि मैं खुद के पैसों से ऐसा एक सेटअप बनाऊंगा। सो फाइनली भाई बनाया मैंने, सो ऐसा कुछ सेटअप बन के आया है। इसी के साथ सभी को बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, पीस आउट, बाय। Pull it up.